देखिए मेरे पास 1207 सैमसंग में 1207 वाला मोबाइल है। इसको नेटवर्क फॉल्ट है, नेटवर्क नहीं आ रहा है। देखिए वीडियो में तुम्हारे के नेटवर्क का फॉल्ट कैसा करना है मैं बताने वाला हूँ। देखिए देखिए हमारे को नेटवर्क नहीं है। मेरे चैनल पर ऐसे नेटवर्क को प्रॉब्लम बहुत मैं कर दिया है। और ये सैमसंग 1207 का भी 7Y है, ये इसका भी मैं अब करने का तरीका तुम्हारे बताता है। हम मोबाइल को ओपन करके पहला क्या करना है कि तो नेटवर्क आईसी पर सप्लाई आता नहीं है, चेक करना है। अब देखिए तो हमारा मोबाइल नंबर है ये 1207 1200Y मॉडल है ये। अब इसमें देखिए हमारा नेटवर्क ऐसी है, इसको फेस सप्लाई हमारे को बैटरी से, इधर बैटरी फेस पॉइंट से सप्लाई आता है। सप्लाई आता है कि नहीं है कि चेक करना है, मीटर से चेक करके बाद में हम यह बराबर है तो ये क्रिस्टल चेंज करना है। इसे सप्लाई बराबर आया तो हमारे को ये बराबर है समझना है, ये क्रिस्टल ऐसी है, ये हमारा नेटवर्क ऐसी है। उसका बाद हमारे को ये क्रिस्टल चेंज करना पड़ता है, क्रिस्टल चेंज करेंगे। पहला हम ये सप्लाई आता है कि नहीं कि चेक करेंगे। वो चेक करने के लिए हम हमारा मीटर को बजर रेंज पर रखना है, बीप साउंड रेंज पर रख के हमारा कौन सा भी हो एक पॉइंट को हमें एक फेस पॉइंट पर लगाना है। देखिए फेस पॉइंट पर लगाकर बैटरी का फेस पॉइंट पर दूसरा प्रोब से हम यहाँ तक चेक करना है। देखिए हमारे को यहाँ से यहाँ तक बीप साउंड आया है तो हमारे के फेस पॉइंट से यहाँ तक सप्लाई बराबर आता है। ये हमारे का अब ये नेटवर्क ऐसी कोई फॉल्ट नहीं है। अब हम क्या करना है तो नेटवर्क फॉल्ट के लिए हम ये क्रिस्टल चेंज करना पड़ेगा। हमारे को एक क्रिस्टल कौन सा नंबर दिया है कि सेम वही नंबर डालना है, इसमें अलग नंबर नहीं डालना है। अब देखिए इसमें 2600 इसका मतलब 26000 वाला इसमें क्रिस्टल दिया गया है। अब हम सेम एक क्रिस्टल रिमूव करके सेम वही क्वालिटी का सेम क्वालिटी वाला रजिस्टर एक ओल्ड मोबाइल बोर्ड से लेकर कौन सा भी हो एक मोबाइल बोर्ड से सेम क्वालिटी वाला सेम कैपेसिटी वाला क्रिस्टल लेकर इसमें डालना है।
अब देखिए मेरे पास ये ओल्ड मोबाइल बोर्ड है, इसमें क्रिस्टल दिया गया है सेम 26,000 वाला। ये क्रिस्टल मैं रिमूव करके हमारा ये सैमसंग 1200y मोबाइल बोर्ड में डालने वाला हूँ। अब देखिए ठीक है, मैं क्रिस्टल को रिमूव कर दिया है हमारा सैमसंग बोर्ड में से। अब हमारा ये डेड मोबाइल बोर्ड का क्रिस्टल उसे डालने वाला हूँ। अब देखिए इसको रिमूव करके इसमें डाल जाता है। ओके, ये भी रिमूव कर दिया है। एक बोर्ड को साइड में रखेंगे। ओके, क्रिस्टल अब मैं डाल दिया है हमारा सैमसंग 1200y मोबाइल बोर्ड में। थोड़ा ये बोर्ड कूल होने के बाद हम फिर बैटरी और सिम डालकर चेक करेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं है जी। अब देखिए हमारा मोबाइल बोर्ड कूल हो गया। फिर हम हमारा मोबाइल बोर्ड को फिर फिटअप करके हमारा बेस में सिम डालकर चेक करेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं है। ओके, देखिए हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब हमारा नेटवर्क ये फुल आ गया है और कंपनी का एम्बलम ही पड़ गया है BSNL मोबाइल। ऐसा नया वीडियो पूरा मैं तुम्हारे के लिए लेकर आने वाला हूँ। उसके लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज़। थैंक यू।